हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त जीत, आप देख रहे हैं नॉलेज वर्नर। आप एक स्टूडेंट और बैचलर है तो ये प्रॉब्लम से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि आपको कपड़ा धोना है और उसको सुखा के आयरन करने में बहुत ही दिक्कत होते होंगे। तो आज हम लोग ऐसे कुछ के बारे में बात करेंगे जो आपको मदद करेगा आपका कपड़े को बहुत जल्द धोने के लिए, इवन उसको सुखा के उसको आयरन करने के लिए भी मदद करेगा। तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके बाजू वाला जो घंटे उसको भी दबाने के लिए मत बोलना। दोस्तों, हमारे पहले गैजेट है पोर्टेबल बकेट वॉशिंग मशीन। ये बेसिकली पोर्टेबल स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी भी कर सकते हैं। इवन आप हॉस्टल और पीजी में रहते हैं तो इसको यूज करने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको सेट करना बहुत ही सिंपल है। अपने जिस बकेट के अंदर आपको कपड़ा धोना है उस बकेट के अंदर इसको सेट करना है, उसके बाद इसको कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी के प्लग के साथ, स्विच ऑन करना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड वॉशिंग मशीन जैसे काम करते हैं सिमिलरली ये भी काम करते हैं। आप एक स्टूडेंट और बैचलर है तो ये गैजेट आपके बहुत ही प्रेफरेबल है क्योंकि आपको तो पता ही है पीजी और हॉस्टल के क्या हालात रहते हैं, उनका वॉशिंग मशीन का क्या हालात रहता है। तो ये गैजेट आपको कैसा लगा काइंडली कमेंट में बताएं। इस टाइप का गैजेट आपने इसके पहले यूज किया नहीं किया उसके बारे में कोई फीडबैक है तो काइंडली कमेंट में बताइए, दूसरे का हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, हमारे अगले गैजेट है क्लॉथ वॉशिंग बैग। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है तो आपके लिए ये गैजेट बहुत ही मददगार होने वाला है। तो आप लोग अभी सोचेंगे ये बैग कैसे आपका क्लॉथ को वॉश करेगा। तो बेसिकली ये बैग एक वाटरप्रूफ बैग होता है जिसके अंदर आपको कपड़ा डालना पड़ता है एंड वॉशिंग पाउडर एंड पानी डाल के उसको थोड़ा सा रब करना पड़ता है। बेसिकली आपका जो बकेट का थ्योरी, बकेट के अंदर कोई भी कपड़ा डाल के जैसे क्लीन करते हैं, सिमिलर थ्योरी इसको ऊपर यूज किया गया। बट आप कोई जगह पे ट्रेवल करें जहाँ पे आपके पास बकेट नहीं है बट आपको क्लॉथ को वॉश करना है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। ये गैजेट आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए एंड इस टाइप का गैजेट लिए एक सब्सक्राइब तो बनते ही है। दोस्तों, हमारे अगले गैजेट है इलेक्ट्रिकल क्लॉथ ड्रायर। ये बेसिकली एक ड्राइंग मशीन है जिसके द्वारा आपका कपड़ा सुखाने का काम आता है। आप हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, इवन आप एक फैमिली मैन भी है तो आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस किए होंगे कि बारिश का मौसम और ठंड के मौसम के टाइम पे थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहने से आपका कपड़ा सूख नहीं पाते। तो इससे 2 से 3 दिन तक आपका कपड़ा सूखने में टाइम लगते, इससे कपड़े के अंदर बदबू भी लगते, इवन आपका टाइम से कपड़ा भी नहीं मिल पाते। तो इस जगह पे आप लोग काम पे ले सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल क्लॉथ ड्रायर को जो आपको मदद करेगा बहुत सारा कपड़ा एक साथ सुखाने के लिए। ये फोल्डेबल एंड बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर आ जाते हैं तो इसके वजह से इसको कहां पे भी आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो ये गैजेट आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए, इस टाइप के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनते ही है। दोस्तों, हमारे अगले गैजेट है इलेक्ट्रिक स्टीम आयरन। कपड़े को वॉश करना, उसके बाद उसको सुखाने के बाद सबसे बड़ा काम होता है उसको आयरन करना एंड आयरन करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है क्योंकि आयरन ना करने से कपड़ा सिकुड़ सकते, इवन कपड़ा खराब भी हो सकते। कभी कभी आयरन ज्यादा करने से कपड़ा जल भी सकते एंड ज्यादा टेम्परेचर से कपड़ा का जो कलर वो भी खराब हो सकता है। तो इस जगह पे आप लोग काम पे ले सकते इस पोर्टेबल स्टीम आयरन को जो आपको मदद करेगा बहुत जल्द एंड सिंपल तरीके से आपका कपड़े को आयरन करने के लिए। इवन ये स्टीम के द्वारा आपका कपड़ा आयरन हो रहा है, इससे आपका कपड़े के ऊपर जो भी वायरस एंड बैक्टीरिया वो मर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से आपका ऑफिस जाने के लिए भी लेट नहीं होगा। ये गैजेट कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए एंड इस गैजेट के लिए एक सब्सक्राइब तो बनते ही है, उसके बाजू वाला घंटा दबाने के लिए भी मत भूलना। दोस्तों, हमारे अगले गैजेट है पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। आप एक स्टूडेंट और बैचलर है एंड ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एक वॉशिंग मशीन के पीछे तो आपके लिए ये वॉशिंग मशीन बहुत ही मददगार होने वाला है। ये वॉशिंग मशीन पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इसके अंदर सब फीचर्स अवेलेबल है जो एक वॉशिंग मशीन के अंदर होना चाहिए। इवन ये वॉशिंग मशीन यूज करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लाइट वेट का है क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है एंड ड्यूरेबल भी है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीदना चाहते हैं तो जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये गैजेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए एंड इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनते ही है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अभी तक देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना एंड वीडियो पसंद आया तो आपका फ्रेंड और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों का भी मदद हो जाएगा। आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया उसके बारे में कमेंट पे लिखने के लिए मत भूलना एंड आपका कोई सवाल और सुझाव है उसके बारे में भी जरूर लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने के लिए।